हे गाइस यार, अभी खड़े हैं हम क्लॉक टावर के पास जो कि इमामबाड़ा में है। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था भूल भुलैया का नज़ारा, वैसे ही अभी हम आए हैं क्लॉक टावर के पास। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लॉक टावर है गाइस, और यहां का माहौल बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और बताइए कि कैसा है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों यार, स्वागत है आज की मेरी एक फिर से नई ब्लॉग में। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था भूल भुलैया का बहुत ही प्यारा नज़ारा, और उसी के जस्ट बगल में है क्लॉक टावर और वहीं पे जस्ट बगल में है छोटा इमामबाड़ा। तो गाइस यार, मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, जैसे कि मतलब एक लंबा सा टावर होता है, वहाँ पर बड़ी सी एक घड़ी होती है, उसी को कहते हैं क्लॉक टावर। तो जैसा गाइस आप लोग देख सकते हैं, अभी हम क्लॉक टावर की जस्ट वहीं पे नज़दीक में खड़े हैं और वो रहा क्लॉक टावर। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को वहाँ नज़दीक से दिखाते हैं वहाँ का क्या मौसम है। वहाँ पे काफ़ी ही लोग हैं घूमने के लिए आए हैं, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए। फाइनली मैं अभी खड़ा हूँ क्लॉक टावर के पास और आप लोग देख सकते हैं वो रहा क्लॉक टावर। तो गाइस देखिए, वो रहा क्लॉक टावर और यहाँ का माहौल भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ही लोग यहाँ पर टहलने के लिए घूमने के लिए आए हैं। और शायद वो रहा वहाँ पर एक आर्मी कैंप भी है, मतलब हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों का कैंप लगा हुआ है, और वो रही इंडियन आर्मी की गाड़ी। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, और ये भी दिखाता हूँ वो देखिए गाइस वहाँ पर कैसे हमारे सिपाही लोग दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो गाइस फिर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं यार, ये रहा हमारा छोटा, यानी कि ये रहा क्लॉक टावर गाइस, जो कि इमामबाड़ा के पास है। और गाइस मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ही अच्छा पार्क है। और वो रहा आर्मी कैंट गाइस, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सिपाही लोग कैसे यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग दिखाते हैं, मैं आप लोगों को जूम थोड़ा सा करता हूं। तो वो देखिए गाइस वहां पर कैसे रनिंग करते हुए जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यार, यहां पर कैसी ही खजूर के पेड़ भी हैं और मौसम बहुत ही मस्त है यहां का। और आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूं यहां का सीन। यार अभी खड़े हैं हम यहाँ पर झूला पार्क, मतलब यहाँ पर पार्क तो है ही और यहाँ पर झूले की व्यवस्था भी है। यहाँ पर छोटे बड़े सभी लोग झूला झूल सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। पर क्लॉक टावर के पास एक तालाब भी है जस्ट बाजू में, बहुत ही गहरा तालाब है, आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाइस बहुत ही गहरा तालाब है। और यहाँ का मौसम भी आप लोग देख सकते हैं, और क्लॉक टावर तो वो रहा सामने, आप देख सकते हैं। तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको यहाँ तालाब का सुंदर सा नज़ारा। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है तालाब, क्या खूबसूरती से मतलब पहले की टाइम का बना हुआ ये तालाब है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी गहरा है, देख सकते हो गाइस काफ़ी ही गहरा तालाब है। आप लोग देख सकते हो यहाँ का माहौल और यहाँ का नज़ारा कैसा है। फाइनली मैंने आप लोगों को क्लॉक टावर का नज़ारा दिखा दिया इस छोटे से ब्लॉग में। तो गाइस बस फिर मिलते हैं आपको किसी अगली नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और दोबारा से फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।